मनोबा की पत्थर उद्योग नगरी कबरई में पहाड़ों पर मजदूरों की जिंदगियां आम नजर आ रही हैं। वहीं पर पहाड़ माफिया इनकी जिंदगी हल्के में लेकर अपनी गाढ़ी कमाई हासिल करने में लगे हैं। इन मजदूरों की मौत उनके लिए एक खिलौना बनी हुई है। जी क्या घटना हो गई? गिर गया है ऊपर से, रास्ता से उतर रहा हूं। उतर कैसे उतर रहा था? पत्थर गिराने पर भारी से पर बहुत 80 फुट ऊंची खदान है। अच्छा, उधर से गिर गए? हां, रस्सी छूट गई। रस्सी छूट। अच्छा, क्या काम, काहे का काम करता? लेबर था? हां, लेबर गिर गया था। अच्छा, क्या नाम था इसका? एक था बबलू। अच्छा, तो किसके पहाड़ में काम करता था? कैसा पहाड़ है? कौन सा ग्रेनाइट है? कौन सा पहाड़ है? कौन सा ग्रेनाइट? सोना लोगे? कौन से पहाड़? क्या नाम था इसका? क्या करता था? श्रीनाथ प्रॉपर्टी पहाड़ है, बिजित सिंह चलाते हैं, काम करता है, तो वहां से गिर गया है। जी हाँ, मामला थाना कबरई क्षेत्र के मकरवई स्थित एक पहाड़ का है, जहाँ मजदूर ऊंचे पहाड़ों में रस्सी पर टंगकर पहाड़ों का कार्य करते हैं। आज इसी के चलते मकरवई पहाड़ स्थित एक पहाड़ में मजदूर कार्य करते वक्त रस्सी पर टंगा था, जिसके वजह में उसमें अनियंत्रित हो गया और 80 फुट गहरी खदान में जा गिरा, जिसके चलते वह गंभीर घायल हो गया। वहीं आनंद फानन ने पहाड़ के ड्राइवर द्वारा उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मजदूर को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पहाड़ों पर मजदूरों की मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर पहाड़ माफियाओं के खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहाड़ से मामला है, क्या है पूरा मामला? ये एक लड़का पहाड़ से गिर गया, बबलू नाम का है, जिसके सर में और मुंह में हाथ पैर में चोटें हैं, जो अर्ध बेहोशी की हालत में यहाँ पे लाया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए उसको पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो है झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। गंभीर? हाँ, गंभीर। कहाँ से गिरा ये? पहाड़ से। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर सुरेश कुमार।